कहा जाता है ना कि तालाब में रहकर मगर से दुश्मनी नहीं करते, ठीक उसी तरीके से अब यह बात भी सिद्ध हो चुकी है कि साउथ एशिया में रहकर भारत से दुश्मनी नहीं करते। और इस बात को किसी और ने नहीं बल्कि भारत के पड़ोसी बांग्लादेश ने करके दिखा दिया है। दरअसल बांग्लादेश ने पिछले कुछ महीनों में काफी सारी गलती की। उन्होंने भारत के साथ कई डील कैंसिल किया और साथ ही कई बार एंटी इंडिया कदम उठाए गए। लेकिन हाल ही में बांग्लादेश की तरफ से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गैस सप्लाई एग्रीमेंट को भारत के साथ कैंसिल कर दिया गया। इसके बाद भारत सरकार को भी लगा कि अब पानी सिर के ऊपर जा चुका है और भारत ने भी कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे बांग्लादेश में एनर्जी क्राइसिस शुरू हो चुका है। और बांग्लादेश में भारत की तरफ से भेजी जाने वाली बिजली में 6 घंटे से भी ज्यादा की कटौती देखने को मिल रही है। और जब बांग्लादेश में एनर्जी क्राइसिस शुरू हो गया है तो उनकी अक्ल फिर से ठिकाने लग चुकी है और उनका कहना है कि हम भारत के साथ जो भी डील कैंसिल कर चुके हैं उसे दोबारा से रिस्टोर करना चाहते हैं। यानी कि इन बातों को सुनने के बाद आप भी यही कहेंगे कि बांग्लादेश सरकार पूरी तरीके से पागल हो चुकी है। आखिर पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल देखा जाए तो बांग्लादेश में एनर्जी की काफी ज्यादा कमी है, फिर चाहे वह इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से जनरेट होने वाली एनर्जी हो या फिर डीजल, पेट्रोल और गैस के जरिए उत्पन्न होने वाली एनर्जी हो। और अकेले गैस पर ध्यान दिया जाए तो बांग्लादेश में नेचुरल गैस की काफी ज्यादा कमी है, इसलिए अपनी कुल जरूरत का लगभग 53% नेचुरल गैस तो बांग्लादेश खुद के यहाँ क्षेत्रीय कुओं के माध्यम से इकट्ठा कर लेता है, लेकिन बाकी की 47% नेचुरल गैस उसे दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसमें से सबसे ज्यादा नेचुरल गैस की सप्लाई भारत के द्वारा बांग्लादेश में किया जाता है और थोड़ी बहुत नेचुरल गैस मध्य पूर्वी देशों से भी बांग्लादेश इंपोर्ट करता है। फिलहाल बांग्लादेश में नेचुरल गैस की सप्लाई भारत के द्वारा अभी तक ट्रांसपोर्टेशन के जरिए मालगाड़ियों और ट्रकों से भेजा जा रहा था, लेकिन क्योंकि बांग्लादेश में गैस की सप्लाई काफी ज्यादा करनी होती है जिसके कारण गैस की सप्लाई के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफी ज्यादा फिजूल में खर्च हो जाता है और कभी कभी तो ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण समय भी ज्यादा लग जाता है। और इसी के सॉल्यूशन के लिए साल 2018 के आसपास की बात है, दोनों देशों ने इस बात पर सहमत जताई कि भारत के द्वारा गैस की सप्लाई पाइपलाइन के जरिए की जाएगी, जिससे ना तो गैस की सप्लाई में ज्यादा समय लगेगा और ना ही फिजूल में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी। और भारत की एक कंपनी है हाइड्रोजन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि आम तौर पर भारत में पूर्वी और पश्चिमी दोनों वाले इलाके में गैस की सप्लाई के लिए पाइपलाइन बिछाने का काम करती है। इसीलिए बांग्लादेश में जो गैस की सप्लाई का प्लान बनाया गया था उसके लिए बांग्लादेशी कंपनी पेट्रोबांग्ला और इंडियन हाइड्रोजन एनर्जी के बीच एक एग्रीमेंट किया जाना था। इस एग्रीमेंट के मुताबिक लगभग 65 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई जानी थी। बांग्लादेश में ही दो लोकेशन है, सतखिरा और खुलना। इन्हीं दोनों डेस्टिनेशन के बीच शुरुआत में पाइपलाइन बिछाई जानी थी, उसके बाद इसे और भी ज्यादा एक्सपेंड किया जाता, जिसके माध्यम से हर साल लगभग 1 मिलियन टन गैस की सप्लाई भारत की यह प्राइवेट कंपनी करने वाली थी। इस परियोजना का नाम दर्शन हीरा नंदानी दिया गया था और हाल ही में खबर निकल कर आई कि बांग्लादेश ने भारत के साथ होने वाले इस एग्रीमेंट को पूरी तरह से कैंसिल कर दिया है। और उन्होंने इसका कारण बताया कि बांग्लादेश में एनर्जी क्राइसिस चल रहा था, इसलिए शेख हसीना ने जल्दबाजी में भारत के साथ बिना टेंडर के एग्रीमेंट करने की बात कही, लेकिन इस बात में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। फिलहाल अब बांग्लादेश ने भारत के साथ एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया तो इन्हें किसी न किसी देश के साथ तो एग्रीमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि इनकी जिस हिसाब से एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको खुद पूरा नहीं कर सकते। इसीलिए जैसे ही उन्होंने भारत के साथ एग्रीमेंट कैंसिल किया, इस बात की जानकारी सामने आने लगी कि यूनुस इसके बदले एक अमेरिकी बेस्ड एक्सिलरेट एनर्जी कंपनी है जिसके साथ डील फाइनलाइज कर रहे हैं। क्योंकि भारत भले ही मेजरली गैस की सप्लाई बांग्लादेश में कर रहा था,
लेकिन अमेरिका की इस कंपनी ने भी कुछ बार बांग्लादेश में गैस की सप्लाई किया है। वैसे तो यह बात अब सामने आ रही है कि अमेरिका की एक्सिलरेट कंपनी बांग्लादेश की एनर्जी मदद करने जा रही है, लेकिन जब खबरों की छानबीन की गई तो यह बात देखने को मिली कि पिछले महीने अक्टूबर से ही एक्सिलरेट एनर्जी के सीईओ और बांग्लादेश सरकार यूनुस के बीच एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को लेकर बातचीत चल रही है। यानी कि यह बात जाहिर है कि इन्होंने पहले अमेरिकी कंपनी के साथ नेचुरल गैस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट का प्लान बना लिया, उसके बाद इन्होंने भारत के साथ एग्रीमेंट में ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, उसी तरीके से बांग्लादेश और अमेरिकी कंपनी के बीच में होने वाले एग्रीमेंट में भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और भारत ने भी सोचा कि जब ये हमें धोखा ही दे रहे हैं तो क्यों ना हम भी अपनी पर उतर जाएं। और भारत के द्वारा पहले से ही कुछ ऐसे स्टेप लिए गए जिससे अब बांग्लादेश में एक एनर्जी क्राइसिस आ चुका है। और आपको याद हो तो पिछले साल भारत और बांग्लादेश के बीच एक फ्रेंडशिप पाइपलाइन बिछाने की शुरुआत हुई थी, जिसके जरिए हर साल 1 मिलियन मेट्रिक टन हाई स्पीड डीजल की सप्लाई होनी थी, लेकिन फिलहाल के लिए भारत ने इस पर अब भी रोक लगा दिया है। और बांग्लादेश में एनर्जी क्राइसिस लाने में सबसे बड़ा रोल निभा रहा है भारत का अदानी ग्रुप, क्योंकि अदानी ग्रुप का बकाया न देने के कारण अदानी पावर हाउस से जो बिजली बांग्लादेश में सप्लाई की जाती है उसमें 50% तक की कटौती करने के बाद बांग्लादेश में बिजली भेजी जा रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बांग्लादेश में इतना ज्यादा एनर्जी क्राइसिस आ चुका है कि बांग्लादेश की जो कैपिटल यानी कि राजधानी है वहां 24 घंटे में से 6 घंटे की बिजली कटौती देखने को मिल रही है। बांग्लादेश का कैपिटल ढाका, जो कि एक तरीके का पावर हाउस है और साथ में एक ऐसा एरिया है जहां पर काफी ज्यादा इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज मौजूद है, इस कंडीशन में ढाका में 6 घंटे तक की बिजली की कटौती देखने को मिल रही है, दूर दराज इलाकों की तो बात ही छोड़िए। और केवल इतना ही नहीं बल्कि बांग्लादेश में कोयले की भी काफी ज्यादा कमी हो गई, जिससे वहां के पावर प्लांट शटडाउन पड़े हैं। और एनर्जी क्राइसिस आने से बांग्लादेश में प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं, जिसके कारण मोहम्मद यूनुस की अक्ल ठिकाने लग रही है। और इस खबर में आप साफ साफ देख पाएंगे कि उन्होंने भारत से रिक्वेस्ट किया है कि त्रिपुरा से सप्लाई की जाने वाली बिजली को और भी ज्यादा बढ़ाई जाए। बांग्लादेश के द्वारा 5 गुना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड की गई है और उनका कहना है कि वह सारे पेमेंट जल्द से जल्द अदानी का चुका देंगे। और न सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की बल्कि नेचुरल गैस की भी सप्लाई बांग्लादेश की तरफ से डिमांड की जा रही है। और बांग्लादेश का अचानक से यू टर्न मारना इस बात को भी दर्शा रहा है कि इन्हें यह बात मालूम चल चुकी है कि जिस तरीके से अमेरिका के जो बाइडेन इनका सपोर्ट कर रहे थे और उनके बलबूते उछल रहे थे, अब उस तरीके से इन्हें सपोर्ट मिलने की बजाय ट्रंप सरकार की तरफ से इन्हें फटकार ही मिलने वाली है। फिलहाल आप लोगों का इसके बारे में क्या सोचना है अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें।